तो बिहार में एक और एनडीए के कुनबे में सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है, तो इंडिया गठबंधन में भी अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। बिहार में लालू यादव की आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल गठबंधन में है, जिनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर पटना से दिल्ली तक बैठक हो रही है, लेकिन कौन कितनी और किस सीट पर चुनाव लड़ेगा पेच फंसा हुआ है। तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के बीच जो तालमेल दिखा, वो सीट बंटवारे के बीजगणित में उलझ गया है। बीते कई दिनों से पटना से दिल्ली तक महागठबंधन या यूं कहिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे का समाधान नहीं मिल रहा। बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच न तो सीट बंटवारे पर बात हो रही है, न ये तय हो पा रहा है कि इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या होगा। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी दल गठबंधन में है, लेकिन मुश्किल ये है कि हर एक पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तो बन रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं। खबर है कि आरजेडी बिहार की 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 7 से 10 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने के पक्ष में है। इसके अलावा 3 लोकसभा सीट वामपंथी दलों को देना चाहती है, लेकिन आरजेडी का ये फॉर्मूला कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। इस बारे में 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर बैठक भी हुई। मीटिंग में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और मनोज झा मौजूद रहे। ये बात और है कि बैठक में गठबंधन के नेता कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं तलाश सके जिस पर सभी की सहमति हो। नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हुआ है। तो अब आज तारीख घोषणा हो जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी ये भी एक दो दिन में हो जाएगा। इस बीच खबर है कि कांग्रेस की ओर से आरजेडी को 14 सीटों की लिस्ट दी गई है। ये उन सीटों की लिस्ट है जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को यकीन है कि 9 सीटों पर बात बन सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, सीपीआईएमएल 2 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि यहां भी एक पेच है, वामपंथी दल 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी होते दिख नहीं रहे हैं, तो वहीं राजद अपने लिए बड़ी भूमिका चाहती है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने जब से पाला बदला है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में आई आरजेडी की हर मुमकिन कोशिश तेजस्वी यादव को आगे रखकर चुनावी लड़ाई लड़ने की है। इस कवायद में आरजेडी के नेता हर एक मंच से कह रहे हैं कि बिहार में मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव बनाम एनडीए है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि 30% से पार एनडीए वोट बिहार में नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जितनी कसरत करनी है नीतीश जी के साथ मिलकर कर ले। बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नकारेगी। जाहिर है अब अगर आरजेडी 30 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो फिर एनडीए के सामने मुकाबले में तेजस्वी यादव को दिखाने की मुहिम कमजोर पड़ सकती है। आरजेडी का हर एक नेता इस बात को अच्छी तरह जानता है कि बिहार में एनडीए के सामने तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरा बताना और दिखाना न सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में बल्कि अगले साल यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर भी असर डाल सकता है। और ऐसे में आरजेडी ये कतई नहीं चाहती कि सीटों के फेर में उसकी इस मुहिम को कोई झटका लगे। साफ लफ्जों में कहें तो आरजेडी की पूरी तवज्जो बिहार में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़ाने पर है, जिसका पहला चरण गठबंधन के तहत ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ये मैसेज देना है कि बिहार की राजनीति का एक ध्रुव अगर एनडीए है और नीतीश कुमार उसका चेहरा है, तो राजनीति के दूसरे ध्रुव की सत्ता आरजेडी के पास है, जिसकी सेना की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है।